मायावती भारत की एकमात्र नेत्री जो आई तो थी गरीबों का नाम लेकर उनके जनहित की बात करने, पर असल में निकली खुद का हित देखने वाली लुटेरी तानाशाह। आइए देखें कैसे उसके राज में अचानक से धन्ना सेठ बना उसका भाई आनंद कुमार, दौलत की बेटी मायावती का भाई। किसी समय आनंद नोएडा अथॉरिटी में एक मामूली क्लर्क की नौकरी करता था, लेकिन जैसे ही मायावती के हाथ सत्ता से माल लूटने की चाबी लगी, आनंद की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी पड़ने लगी। आनंद कुमार ने जैसे ही नौकरी छोड़कर इस लूट के धंधे को अपनाया, अचानक से बहन माया की छाया ने उसे धन्ना सेठों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। बहन माया के सत्ता में आते ही 2007 में आनंद कुमार ने एक दो नहीं बल्कि 49 कंपनियों के माध्यम से भीषण लूट का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। साल 2012 तक जेपी हो या यूनिटेक या फिर डीएलएफ, इन सभी रियल एस्टेट धुरंधरों के साथ कुल 760 करोड़ से भी ज्यादा का माल कमाया। यानी गरीब दलितों की राजनीति के नाम पर ये दरिंदे जनता के अरबों खरबों लूट कर बैठे हैं। बेनामी संपत्तियों की बात करें तो हाल ही में इनकी 400 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई थी। बीएसपी में उपाध्यक्ष बनते ही मायावती के भाई आनंद कुमार पर इनकम टैक्स का शिकंजा कस गया है। इनकम टैक्स विभाग ने नोएडा में आनंद कुमार और इनकी पत्नी विचित्र लता की 400 करोड़ की 7 एकड़ का प्लॉट जब्त किया। प्लॉट को बेनामी संपत्ति माना गया है। आनंद की बढ़ती पहुंच का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मायावती ने बसपा को अपनी किचन कैबिनेट बनाने के लिए इसे बसपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इसके बेटे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। यानी गरीब जाए भाड़ में, माया बुआ अपने जुगाड़ में। ये माया और उसके भाई भतीजे चाहे कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें करें, कितना भी भरमाएं, लेकिन यूपी की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली।